तो जितना शुक्राना करें उतना कम है। जर्नी में गुरुजी से स्टार्ट करती हूँ। ईयर 2000 में इस जन्म में गुरुजी ने हमें बुलाया था और हमें तो खैर नहीं पता होता हमारी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम से गए नहीं थे हम। 2000 में ही मेरी मैरिज हुई थी और गुरुजी ने तभी मम्मा को बोला कि चलो आप सारे अपने फैमिली अपने बच्चों को लेके आना। सो इस तरह हमें गुरुजी से मिलने का मौका मिला और वो दिन हमारा जितना शुक्राना करें गुरुजी का उतना कम है, क्योंकि जब आप किसी गुरु का नाम सुनते हो उस टाइम पे जस्ट अपना अर्ली 20s में थी, तो बिल्कुल मतलब गुरुओं पे या किसी भी उसमें नहीं इतना फेथ होता। तो जब बुलाया गुरुजी ने तो गए, जैसे सबको देखा वहां पे एम्पायर स्टेट का, इतना खूबसूरत ऑरा था, बहुत खूबसूरत गुरुजी, इतने खूबसूरत, इतना मतलब डिवाइन ऑरा था वहां का। और जब मिले हम लोग गुरुजी से तो मैंने देखा सारे लोग जैसे आगे गुरुजी के चरण छू रहे हैं, तो जब मेरी टर्न आई तो मैं भी गुरुजी के चरण छूने के लिए जब झुकी तो गुरुजी ने मेरे को बोला मुंडा दूता। तो ये बात मैंने सुनी नहीं थी और एकदम समझ भी नहीं आती, क्योंकि गुरुजी इतनी ठेठ पंजाबी में बोलते थे कि आपको उसको समझना और सुनना, अगर आप यूं सुनिए आपको नहीं समझ में आ सकती। तो मैंने नहीं सुना बट मेरे अंकल ने सुना था। सो ये गुरुजी की बिल्कुल पहली ब्लेसिंग्स थी जो मेरे अंकल ने मुझे बोला कि गुरुजी ने ऐसे बोला है। तो मैंने कहा कि जब आपकी न्यूली मैरिज हो और आपका किसी भी बड़े संत के या किसी के भी आप पैर छूओगे तो वो यही आशीर्वाद देगा, तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया। और हम लोग तो खैर अब गुरुजी जानते हैं हम लोग सब बहुत बेवकूफ हैं, गुरुजी को समझ तो सकते ही नहीं थे उस टाइम पे। तो बड़ा अब जब आप किसी को मानते नहीं हो तो समझना तो बहुत दूर है। तो ये बात बस सुनी अनसुनी कर दी। और ये गुरुजी ने मुझे पहली ब्लेसिंग दी थी, गुरुजी ने बोला था मुंडा दीता, उस वक्त 7th of June, July था और 7th May को गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया। सो शुक्राना गुरुजी का, पहली ब्लेसिंग्स। बड़े मंदिर हमें उसके बाद जाना होता रहा, जैसे जैसे बुलाते थे बड़े फंक्शंस पे गुरुजी, तो बहुत तो नहीं उस वक्त जाते थे, बट जब भी गुरुजी मतलब आदेश आता था तो जरूर जाना होता था। पर मैं फिर कहूंगी कि हम बस जाते थे बट जुड़े नहीं थे, और जुड़ना तो बहुत मतलब बहुत टाइम लगता है, आप समझ नहीं सकते। जब फिजिकल फॉर्म में गुरुजी होते थे तो वो इतना मजाक करते थे, इतने नॉर्मल मतलब इतना बहुत अच्छा लगता था वहां का ऑरा, बहुत डिवाइन थे गुरुजी। बट पता नहीं हम लोग बड़े ना समझ होते हैं तो वो चीज नहीं, ठीक है ये मानते थे बहुत बड़े संत हैं, बड़े महापुरुष हैं, बट ये कभी नहीं जाना था कि वो महाशिव हैं। और समझना तो हम नहीं समझ सके। सो सॉरी, इसका तो मैं बार बार सॉरी करती हूँ गुरुजी को, क्योंकि जैसे जैसे लाइफ की जर्नी आगे बढ़ती रही गुरुजी ने ये एक एक मतलब पल हमें जो ब्लेस किया गुरुजी ने, वो धीरे धीरे जब समझ में आता है तो आज हम अपने आप को इतना लकी मानते हैं कि गुरुजी ने हमें कितना ब्लेस किया हुआ है। हमारी मतलब सोल जो है वो बिल्कुल बस सिर्फ एक ही अरदास रह जाती है गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज हमारी सोल को बस अपने साथ मिला लो, हमें और कहीं नहीं जाना है। और गुरुजी के तो जो मतलब जितने डिवाइन सत्संग तो बहुत हैं, बट बड़े मंदिर का ही सबसे पहले मैं बोलूंगी कि इतना खूबसूरत गुरुजी ने बड़ा मंदिर बनाया है, इतना गुरुजी जो बोलते थे कि ये जो शिवलिंग है इसमें 12 ज्योतिर्लिंग से भी ज्यादा पावर है, अगर आप बाहर आकर के मत्था भी टेक लोगे तो आप बहुत ब्लेसिंग्स पाओगे, और अंदर आ गए तो फिर तो बात ही क्या है। तो हम तो शुक्राने इतने करते हैं कि गुरुजी ने हमें इतना प्यारा गुरु परिवार दिया, इतना प्योर वहाँ का जो ऑरा है
वो है जिसमें आप जाकर के आप आपको पता चलता है, आप जैसे ही मंदिर के अंदर आप कदम रखते हो आप भूल जाते हो बिल्कुल, जैसे आप बिल्कुल अपने सारे टेंशन अपनी परेशानियां सब भूल जाते हो, बिल्कुल लिटरली ऐसा फील होता है। सो शुक्राने हैं गुरु जी के लाखों करोड़ों जितने भी करें उतने कम है। सो ये गुरुजी से जो 2000 में गुरुजी ने हमें बुलाया था, वैसे कोई प्रॉब्लम से नहीं गए थे हम, बट गुरुजी को मालूम था क्या प्रॉब्लम है। तो वो बेटे का भी जो है वो सत्संग यही है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और जिसके बारे में मैं अनजान थी, बाद में मुझे शायद एहसास हुआ कि वो काफी मेजर प्रॉब्लम थी जो गुरुजी ने कन्वर्ट करके जो मेरे को बेटा ब्लेस किया गुरुजी ने। सो शुक्राने गुरुजी के, ऐसे सत्संग तो बहुत हैं। उसके बाद मैं अपनी बेटी का भी सत्संग करना चाहती हूँ कि 2004 में, 4 and 5 में मैं गुरुजी के पास गई थी और टेलीपैथी नहीं उस वक्त पता होती है कि टेलीपैथी क्या होती है या गुरुजी से बात, बस बात तो होती भी थी गुरुजी से क्योंकि गुरुजी से तो उनका तो ऑरा ही इतना तेज था कि आप उनकी तरफ देख भी नहीं सकते थे। हम लोग सामने बैठ करके, मतलब जब एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे होते थे और जनरली हम लोग गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे होते थे और उनका इतना तेज होता था कि अगर कभी उन्होंने वहां पे बैठने के लिए लंगर भी लग गया तो हम उनके सामने अंदर ही नहीं जाता था, इतनी घबराहट होती थी कि बस तो मालिक ही जानता है कि कैसे हम लोग उनके सामने कैसे बैठ पाते थे, बस देख तो सकते ही नहीं थे। बहुत बहुत ऑरा था गुरु जी का, तो उनका जो क्या वर्ड्स मतलब मेरे पास नहीं है कि क्या कैसे उनको मैं डिस्क्राइब करूं कि कैसा उस वक्त हमें बैठ करके कितना तेज जो है गुरु जी का महसूस होता था। सो 2005 में मैं बता रही थी कि मेरे बेटी के टाइम पे जब मैंने कंसीव किया तो मैं नहीं पता होता था टेलीपैथी क्या है, बट बेटा गुरुजी ने ब्लेस किया था। सो मैं हमेशा मन में ये कहती थी गुरुजी मुझे ना दूसरी बेटी, मतलब बेटी चाहिए मुझे, बेटा आपने ब्लेस किया है, थैंक यू शुक्राना, बट मेरे को दूसरी बेटी चाहिए। वो मैं क्यों कहती थी, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ है जो वो जिसे पुराने बुजुर्ग होते हैं उनको काफी कुछ पावर्स हैं अपने भी, वो हनुमान जी की पूजा करती हैं, तो हमेशा मेरे को बोलती थी कि तेरा दूसरा भी बेटा होगा। तो भाई इस चीज से परेशान में जब मैं गुरुजी के पास आती थी मैं हमेशा मन में ये बात गुरुजी से बोलती थी, उस वक्त नहीं समझ में आता था कि गुरुजी आपके मन में सोची हुई हर एक बात सुन रहे हैं और वो सुनते हैं, सुनते थे नहीं बोलूंगी मैं, सुनते हैं, तो उस वक्त नहीं पता होती थी, बट वो लिटरली सारी बात सुन रहे होंगे, मेरी सारी बात सुन रहे थे। सो 2005 में उन्होंने मुझे बेटी ब्लेस की और 40 डेज की जब मेरी बेटी हुई थी तो मैं गुरुजी के पास गई उसका मत्था टिकवाने, तो बहुत खुश हुए थे गुरुजी और शुक्राना। फिर उनका ऐसी जर्नी चलती गई और गुरुजी ने मतलब हर कदम पे, हर सांस हम शुक्राना करते हैं गुरुजी का, उन्होंने बहुत बहुत ब्लेस किया है, इतनी चीजें उन्होंने ब्लेस की हैं कि मेरे पास काउंटिंग नहीं है। सत्संग तो ये वो है जो हमें पता चलते गए और जो जितनी चीजें उन्होंने पता भी नहीं लगने दी, चाहे वो हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई फाइनेंशियल हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरे को अंदर से महसूस होती हैं उन्होंने ब्लेस किया, हमें पता भी नहीं चलने दिया। और वो आज भी ऐसे ही सारी चीजें इतनी स्मूथली निकाल देते हैं, तो वो भगवान मतलब उससे भी ऊंचा अगर कोई अहदा हो तो उनको वो दूंगी मैं कि वो हर पल अपने जितने भी उनके भक्त कह लो या उनसे प्यार करने वाले हैं उनकी सबके सुनते हैं और आज भी सुन रहे हैं। सो संगत को मैं यही बोलना चाहूंगी कि पुरानी संगत या नई संगत ऐसा कुछ नहीं है, बस गुरु जी को आप दिल से प्यार करो, गुरु जी से आप दिल से अरदास करो, वो सब कुछ सुनते हैं। सो सत्संग एक मैं अपनी बेटी का भी करना चाहती हूँ। उसका 7th बर्थडे था और जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई हमें तो बर्थडे पार्टी करनी है, सत्संग वत्संग का इतना कोई उनको मतलब नहीं होता, बट हमें तो हर एक फंक्शन ऐसा लगता है बस गुरुजी के साथ मनाना है, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो,
चाहे कुछ भी हो. सो ऐसी जब छोटे बच्चे होते हैं तो नहीं समझते हैं. और मेरे को किसी का मैसेज आया था कि बर्थडे पे बेटी के सत्संग करना है. सो मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी आप ही समझाओ, मतलब मेरे को या तो मेरे को क्लियर इंडिकेशन दो. और ये 2000 अराउंड 10-11 की बात है, तो यार मैं शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकती हूँ, बट उसी गुरुजी के छोला छोड़ने की बात है. सो 5th ऑफ अक्टूबर मेरी बेटी का बर्थडे होता है, एंड 4th को मेरी बेटी मॉर्निंग में उठती है और बेड से कहती है कि मामा आप ना मेरे बर्थडे को सत्संग ही करना. तो आई वॉज अमेज. मैंने कहा कि क्या हुआ? तो कहती नहीं, आज मेरे को गुरुजी ड्रीम में आए और उन्होंने मेरे से बोला कि मौली बर्थडे आपको सत्संग पे आपने बर्थडे पे सत्संग करना है, पार्टी नहीं करनी है. तो वो इतना, मतलब जो छोटा बच्चा है अगर वो ये बोल रहा है, मॉर्निंग में उठते ही उसने मेरे को ये बोला कि गुरुजी आज ड्रीम में आए थे और गुरुजी ने कहा है कि बुलबुल आपको सत्संग करना है बर्थडे वाले दिन. तो उसने मेरे को जब ये बोला तो मैं बहुत शुक्राने कर रही थी गुरुजी को, थैंक यू गुरुजी. क्योंकि वो अगर मेरे को कोई मैसेज देते तो शायद मैं बच्चे को नहीं समझा पाती. कितने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, कितना प्यारा, मतलब वो हर एक चीज समझ लेते हैं. और वो छोटे बच्चे को उन्होंने बता दिया तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं. सो शुक्राने गुरुजी, थैंक यू गुरुजी. सत्संग एक मैंने कई बार पहले भी ये किया है, चाय सेवा का सत्संग, ये भी गुरुजी के चोले छोड़ने के बाद की बात है. मैंने एक बड़ी बस ऐसे ड्रीम में देखा कि गुरुजी आए हैं और गुरुजी ने बोला मेरे को मंदिर पे, बड़े मंदिर में चाय सेवा करनी है. सो मंडे का दिन था, मैं उठी, मैंने अपने अंकल से बोला अंकल मेरे को बड़े मंदिर में चाय सेवा करनी है, तो मैं अभी जा रही हूँ मंडे में. मैं फटाफट मंदिर आती हूँ बट मेरे को उस दिन नहीं मिल पाती है. माली अंकल बना ले आते हैं, जो भी बहुत बड़ा सत्संग है, मैं कई बार पहले भी कर चुकी हूँ, बट वही हुआ कि मंडे को मेरे को नहीं मौका मिला, चाय सेवा नहीं मिली, देन थर्सडे भी नहीं मिली, सैटरडे संडे भी ऐसे ही चला गया. उस वक्त फ्राइडे नया नया शुरू हुआ था और गुरुजी ने मेरे को ये बात बाद में याद आई कि गुरुजी ने मेरे को ये कहा था कि कम संगत वाले दिन मंदिर में चाय सेवा करनी है, और उस वक्त फ्राइडे नया नया शुरू हुआ था, 2012 की बात है अराउंड. सो फ्राइडे को जैसे मैं किचन में गई, एक अंकल थे, उन्होंने मेरे को सारी चीजें समझाई, आंटी ये ऐसे इतना क्वांटिटी में ये सब डलता है और ऐसे चाय प्रसाद बनती है. सो वो उसके बाद वो अंकल चले गए मेरे को सब चीज बता करके, ऐसे मेरी चाय सेवा गुरुजी ने शुरू करवाई. लेकिन वो अंकल कौन थे, मैंने उनको दोबारा बड़े मंदिर में कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा. सो कौन थे वो सिवाय हमारे गुरुजी के और कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने सब कुछ समझा करके और बता करके मेरे को सेवा का मौका दिया. तो शुक्राने गुरुजी के. ऐसे 2000 में जो गुरुजी से मिले थे, तो उसके बाद 3-4 2001 में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई थी UPMP के बॉर्डर पे. तो वहां पे हम लोग गए, बेटा मेरा छोटा सा ही था तब, 1-8 साल का ही था. और ये सब तब की बात बता रही हूँ जब मैं गुरुजी से मिल तो चुके थे बट गुरुजी को मानते नहीं थे, विश्वास नहीं था. क्योंकि जैसे ही आप आते हो किसी के पास नई संगत की, या बहुत सारी संगत ऐसी हैं जो आते हैं मंदिर, मत्था टेकते हैं, बट वो नहीं समझ पाते हैं कि गुरुजी क्या हैं, उनकी महिमा क्या है, वो कितने बड़े भगवान हैं, ये नहीं समझ पाते सब लोग. और ये मैं उनको स्पेशली बताना चाहूंगी कि हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही, मतलब ये चाहते तो वैसे जब गुरुजी जोड़ना है तभी जोड़ते हैं, बट जाते ही जुड़, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत भाग्यवान होते हैं, बहुत समझदार कहूंगी मैं, जो जाते ही जुड़ जाते हैं, बट एकदम से जुड़ना बड़ा मुश्किल होता है. बट ये उन्हीं के लिए बोलती हूँ कि आप एक बारी जुड़ गए हैं, आप जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ भगवान खुद आपकी सारी बातें सुनते हैं. हमने कभी भगवान को नहीं देखा, कभी माता को नहीं देखा, सब हैं, लेकिन ये हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, सामने आकर के आपकी सारी बात सुनते हैं, आपको सारी चीजों
से निकालते हैं, गलत चीजों में नहीं पड़ने देते आपके ऊपर, हमेशा आप इनसे प्यार करोगे आपको हमेशा वो आपका आपके साथ रहते हैं, ये मेरा मानना है। तो उस वक्त वही था कि जब हम लोग इतना नहीं, बस मेरे पास गुरु जी का स्वरूप था, मैं वहां अपने साथ लेके गई थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं, मैं कभी मतलब कुछ ना बोलती थी ना बात करती थी। ये तो चीजें वैसे अभी भी शुरू हुई है कि गुरु जी के स्वरूप से बात करना, या ये सब उस वक्त नहीं पता होता था। हम बहुत बेवकूफ थे, बस गुरु जी के पास चले जाते थे, आ जाते थे, मत्था टेक लेते थे, बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुश होते थे, बट बाकी और उससे ज्यादा कुछ नहीं, शायद जुड़े नहीं थे। तो वहां पे एक एक्सपीरियंस मैं आपको छोटा सा बताऊंगी कि काफी रिमोट जगह थी वो, बहुत मतलब बिल्कुल गांव का एरिया था और सब चीजें अवेलेबल नहीं थी। 2001 में बता रही हूँ, यूपीएमपी और झारखंड बॉर्डर के पास मतलब ट्रांसफर हुई थी। सो एक दिन हम लोग वहीं पे, नियर बाय कोई ऐसी चीजें नहीं थी, तो अराउंड 40-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था हमें कुछ भी अगर हमें मतलब लेना होता था। तो एक दिन हम लोग चले गए और हमने सोचा कि वहीं पे हम लोग गाड़ी लेके चले गए और वहीं पे पेट्रोल वगैरह भरवा लेंगे एंड देन वापस आ जाएंगे। वहां पे नक्सलाइट्स का भी बड़ा खतरा था, तो वहां हम गए हैं और वहां पे पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से पेट्रोल पंप सब बंद हो गए थे। तो रिटर्निंग में हमारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं था, रास्ता इतना ज्यादा खराब आप कह लीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ये नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम थी। 40-50 किलोमीटर दूर थे हम लोग और पूरा जंगल का रास्ता था। सो खाली गाड़ी, इतनी बारिश, इतनी रिहंद जगह का नाम है वहां, बहुत मतलब बिजली बहुत ज्यादा वहां पे थंडरिंग वगैरह होती थी, लाइटनिंग बहुत जबरदस्त रहती थी। सो पूरे रास्ते हम लोग बस भगवान का ही नाम लेते हुए, गाड़ी हमारी बिल्कुल पेट्रोल बिल्कुल नहीं था उसमें और वो वापस पूरे 50 किलोमीटर घर चल के आ गई। तब जाके आज हम कहते हैं शुक्राना गुरु जी, उस वक्त तो बस थैंक यू गॉड, बस यही भगवान से यही निकलता था। बट हम ये कौन कर सकता है, ये सिवाय गुरु जी के और कोई नहीं कर सकता। जो ये धीरे धीरे आपके लाइफ की जो चीजें हैं निकलती जाती हैं, अब ये धीरे धीरे ही समझ में आते हैं कि गुरु जी हमारे साथ तो कब से हैं। हम गुरु जी को अब जानना शुरू हुए हैं बट पता नहीं कितने जन्मों से गुरु जी के साथ, गुरु जी ने हमें अपने से जोड़ा हुआ है, इस जन्म में हमें बस अभी मौका मिला। सो शुक्राने गुरु जी के, लाखों करोड़ों शुक्राने। एक वही मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम में हमेशा ये तो गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी क्या कुछ नहीं ब्लेस करते, आपकी लाइफ ब्लेस करते हैं। गुरु जी ने मुझे भी लाइफ ब्लेस की है मेरी भी। सो ये 2014 की बात है, मैं काफी मतलब बहुत वेट मेरा लूज हो रहा था और ऐसे चलता गया, बट आप जनरली मैं नहीं ध्यान दिया, बच्चे छोटे ही थे उस वक्त, फोर्थ क्लास में थी बेटी मेरी, बेटा सेवन्थ क्लास में था और काफी प्रॉब्लम मतलब मेरे को वीकनेस बहुत शुरू हो गई। तो उस वक्त एक सत्संग मैंने घर में रखा था और एक आंटी हैं वो भी बहुत गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो वो उन्होंने मेरे को मैसेज दिया कि आज गुरुजी ने, मैंने अपने विजन में देखा कि भले पापड़ी खा रही, इससे ज्यादा उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा जय गुरुजी, तो हमने भले पापड़ी का गुरु जी को भोग लगाया एंड सत्संग हुआ बहुत अच्छे से, जैसे गुरु जी का सत्संग होता है, बहुत प्यारा सत्संग हुआ गुरु जी का। और उसके बाद उन आंटी ने मेरे को ये भी बोला कि आंटी अपना चेकअप कराओ, तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो जब चेकअप कराया तो मेरे को ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हुआ और मैं बहुत परेशान हो गई थी उस वक्त, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है, आप कौन से दूर भी रहना है, आपको उनका ध्यान कौन रखेगा, तो सारी चीजें एक लेडी समझ सकती है कि बहुत प्रॉब्लम होती है। सो जिस वक्त तक नहीं पता था, पता नहीं कैसे चल रहे थे, बट जब मेरे को ये बात पता चली तो मैं बिल्कुल मतलब मैं बहुत बहुत वीक हो गई और मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई, मैं बिल्कुल बेड पे गिर गई। और तब मदर मेरी कहती है कि तू क्यों परेशान हो रही है, गुरु जी हैं, मैं हूँ, सब समझ जाएगा। सो मेडिकेशन मेरी स्टार्ट हुई और आरएमएल से
मेरी मेडिसिन स्टार्ट हुई है, और पूरा इसका कोर्स सारे जानते ही होंगे, 9 मंथ का कोर्स होता है। मैंने डिसाइड किया बच्चे छोटे हैं तो मैं अराउंड 1.5 ईयर्स या 1.25 साल के करीब इसकी मेडिसिन लूंगी, और बहुत बहुत गंदी मेडिसिन होती हैं इसकी। सो चला टाइम, स्टार्ट हुआ मेडिकेशन, सब कुछ बहुत अच्छे से होता गया, सब कुछ अच्छे से निकलता गया और मैं इम्प्रूव होती चली गई। विदिन 1 or 2 weeks मैं आराम से उठ के अपना थोड़ा बहुत जो भी करना था कर पाती थी, और ऐसे ही होता गया। तो 7 months, 9 months का कोर्स होता है, और 7 month में मेरे को 7th month में कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई, अंदर चेस्ट में मेरे खड़खड़ की आवाज आती थी। सो जब ऐसा हुआ तो मेरे को मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपको मैं एम्स रेफर कर रहा हूँ, और इस वक्त ऐसी ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये क्यों हुई है इसका कोई रीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट प्रॉब्लम मेरे को मेजर लग रही है, इसलिए मैं एम्स रेफर कर रहा हूँ आपको। सो एम्स में उन्होंने मेरे को डॉक्टर का वो दे करके एंड सारी चीजें, मेरा अपॉइंटमेंट वगैरह सब फिक्स कराया। मैं एम्स गई तो उन डॉक्टर ने मेरे को यही बोला कि आपके चेस्ट में जो है वो फ्लूड पानी भर गया है, और आपको इसको टेस्ट करवाओ कि क्या है, मे बी कैंसर हो सकता है, जो भी है। सो मैंने कहा जय गुरु जी, ठीक है। मैं वहां से निकली एंड उसके बाद 2 दिन बाद मेरा अपॉइंटमेंट था। मैं गई डॉक्टर के पास और मैंने वो जो चेस्ट में से फ्लूड जो था, वो पानी जो भरा हुआ था, उसको डॉक्टर से चेक कराया। तो उसने मेरे को बोला कि ऐसा है, आपके चेस्ट में जो है वो पानी भर गया है, और आपके जो फ्लूड है, इससे पहले हुआ क्या था कि जब उस डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपकी टेस्ट कराओ, तो जिन आंटी ने मुझे वो जो मैसेज दिया था कि सत्संग में कि गुरुजी भले पापड़ी खा रहे थे, तो वो आंटी का मेरे को, जब मैं जा रही थी टेस्ट कराने, उससे पहले उन आंटी का मेरे को फोन आता है, और वो मेरे को कहती है कि आंटी गुरुजी ने कहा है कुडू ने मैं लाइफ ब्लेस कीती है, ओदे बच्चे छोटे ने, सो ओदे ओदे लंग्स चिपकने सी, और उसमें मैंने पानी भर दिया है, उसके लंग्स पापड़ी होने सी, सो मैंने भल्ले कर दीते। ये मैसेज जो उन्होंने आंटी जी ने मेरे को दिया ना संगत जी, ये शायद जिसके साथ होता है शायद वो बहुत अच्छे से फील कर सकेगा, या जिसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं वो बहुत अच्छे से इसको समझ सकेगा कि जब आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है और उस वक्त में गुरुजी का आपको ऐसा मैसेज आता है कि लंग्स में मतलब सूखने चिपकने थे और उसमें मैंने पानी भर दिया, पापड़ी होने से मैंने भल्ले कर दिए थे, ये इतना बड़ा मैसेज था मेरे लिए कि मेरे को कोई टेंशन ही नहीं रह गई, मेरी सारी सब शिट मतलब टेंशन सब दूर हो गई। और मैं ये उस वक्त गाड़ी में जा ही रही थी टेस्ट कराने के लिए, एंड जब डॉक्टर ने मेरे को टेस्ट करा तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि आपके लंग्स में 50 cc अराउंड फ्लूड जो है ये भरा हुआ है, और इसको हम निकालते हैं, लंग्स स्पॉन्ज की तरह होते हैं, इसमें से सारा तो निकलना पॉसिबल नहीं होता, बट जितना भी होगा हम लोग निकाल के इसको बायोप्सी के लिए भेजेंगे बॉम्बे, टेस्ट करवा लेंगे इसका कि क्या है, और बाकी जो है वो अंदर उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत बताए उन्होंने, ये ठीक हो जाता है, आपको ब्रीदिंग में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, या जो भी बहुत पता नहीं कितनी चीजें वो बता रही थी, लेकिन मैं इतना क्या बोलूं, मैं इतना कामली बैठी थी, मैं इतनी शांत बैठी थी, क्योंकि मेरे को जो गुरु जी का मैसेज मिला था वो मेरे लिए एक इतना मतलब एक मेरे लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहा था कि मेरे को वो कहीं अंदर तक मेरे को कुछ कोई बात टच ही नहीं हो रही थी, मुझे अंदर बिल्कुल एक शांति थी कि मेरे गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया है, अब कुछ भी हो जाए कुछ खराब नहीं गलत नहीं हो सकता। एंड संगत जी ये मतलब ये 100% सही है कि गुरुजी को जब आप बिल्कुल आप दिल से मान लेते हो ना, तो सब चीज आपकी वही मैंने कहा ना स्मूथ होती चली जाती है, आपकी लाइफ में बिल्कुल बहुत आराम से प्यार से चलने लगती है। तो जब वो टेस्ट उसमें से जब उन्होंने जो फ्लूड निकाला वो अराउंड 25 cc, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि हमने निकाल लिया है, बट 25 जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा, उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे ये इसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आ जाएगी, जो फ्लूड हम भेज रहे हैं
तीन दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई और जैसा कि गुरुजी का मैसेज था वो कोई उसमें कुछ नहीं था, इट्स नॉट कैंसर, इट्स नथिंग, कोई दिक्कत नहीं थी और सब कुछ बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। मेडिसिन मैंने सवा साल ली एंड आई एम परफेक्टली ऑल राइट नाउ। वो जो अंदर पानी था उसके बाद उन्होंने मेरे को फिर बुलाया था एक वीक बाद, उसके बाद जब वो टेस्ट करा उसने डॉक्टर ने, तो उन्होंने यही बोला कि हमें नहीं मालूम वो अंदर से फ्रूट कहाँ चला गया, क्या हुआ उसका, वो किसी के पास, किसी डॉक्टर के पास इसका जवाब नहीं है। उसका जवाब सिर्फ यही है वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, जो गुरु जी सब कुछ बहुत अच्छे से आपको हर एक प्रॉब्लम से, सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, सब हर एक प्रॉब्लम से निकाल देते हैं। तो शुक्राने 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 गुरु जी के बहुत हजार। और सत्संग तो बहुत सारे हैं, मैं फिर एक वही सत्संग करूंगी जो बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत बहुत सारी चीजें बहुत बड़ी हैं। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स दी हुई है उन्होंने, बहुत बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। सो ये जो है मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि मामा को गुरु जी ने अपने हाथ से 5 स्वरूप दिए थे अपने, और छोटे वाले जो पॉकेट स्वरूप होते हैं, और ये इतना खास इसीलिए था स्वरूप जो थे क्योंकि उसके पीछे गुरुजी ने अपने सिग्नेचर्स किए हुए थे। सो मम्मी को जिस वक्त दिए थे उन्होंने, गुरुजी ने शायद 2004 या 5 में दिए हुए, और 4-5 साल पहले वो मम्मी मेरे को ऐसे बैठे थे वो दिखा रहे थे। तो इतने स्वरूप सारे ही गुरुजी के बहुत प्यारे हैं, बट वही था पीछे उनके गुरुजी के जो सिग्नेचर्स थे उनकी वजह से थोड़ा लालच आ गया और मैंने कहा कि मम्मी आप 2 स्वरूप मुझे दे दो। तो 2 स्वरूप मैंने गुरुजी के मम्मी से ले लिए और मैं आके मैंने अपनी अलमीरा में उसको रख लिया। और थोड़े दिन बाद वो मैंने अपने एक पाउच में रखा था, तो थोड़े दिन बाद मेरे को कहीं जाना था, उस पाउच को मैंने खोला, वो स्वरूप थे जो मैंने उनको माथे से लगाया और मैंने पीछे जैसे उनको पीछे उनके पीछे गुरुजी ने सिग्नेचर्स किए हुए थे, तो वो दोनों स्वरूप पे जो सिग्नेचर्स थे वो दोनों पे मिट गए थे, गायब हो गए थे कुछ भी कह लीजिए। और मेरे हालत मतलब मेरे को मैं बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरे को इतना बुरा लगा या मुझे इतना ये लगा कि शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। गुरुजी क्या मतलब मेरे से इतनी कोई ज्यादा बड़ी गलती हो गई, आप इतने साल और ऑलमोस्ट 18-19 ईयर से वो मम्मी के पास थे, उसके ऊपर एज इट इज गुरु जी के सिग्नेचर्स थे, तो ये कैसे हुआ, मतलब मैं अभी लाए हुए मेरे को 1 वीक ही हुआ और ये ऐसे कैसे हो गया कि आपके सिग्नेचर्स चले गए, मेरे से कुछ गलती हो गई है, मेरे को नहीं लेना चाहिए थे, मतलब बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी और मैं बहुत परेशान इस बात से हो रही थी। मैंने अपनी मदर से भी बोला, मैंने अपनी सिस्टर से भी बोला, तो चलते चलते ये बात कोई अक्टूबर की है करीब, सो नवंबर में मेरे को मिड ऑफ नवंबर मेरे को एक ड्रीम आता है और मेरे को दिखता है कि एक सत्संग वही हो रहा है मेरे घर में और मैं केक कटिंग कर रही हूँ, पिंक कलर का एक केक कटिंग कर रही हूँ। तो मेरे को ये था कि नवंबर में मेरा बर्थडे होता है, सो बर्थडे वाले दिन मेरे को सत्संग करना है, जो मेरे को समझ में आया मेरे को यही समझ में आया। तो गुरु जी का सत्संग जो कि हम तो नहीं, हमारी औकात करवाने की गुरु जी ही करवाते हैं, और सत्संग हुआ 26 नवंबर को और संगत सारी आई थी। बहुत प्यारा गुरु जी का सत्संग हमेशा होता ही है और सत्संग चल रहा था, उसके बीच में पता नहीं किसी आंटी ने मेरे से कुछ कहा और मैं अंदर फिर रूम में आई अपने, और मैंने अलमीरा में कुछ वही पाउच खोला, उसमें से कुछ काम था मुझे, मैंने पाउच खोला, बड़े भारी मन से मैंने वो गुरु जी के स्वरूप निकाले, माथे से छुए और जैसे मैंने उनको उल्टा किया, बिलीव इट और नॉट संगत जी, उनके पीछे, दोनों के पीछे गुरु जी के सिग्नेचर्स रीअपियर्ड हो गए, एक पे डार्क ब्लू कलर से, एक पे डार्क ब्लैक कलर से, और वो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं इतनी खुश हुई कि थैंक यू गुरु जी, आपने मेरा, दिस इज माई बेस्ट बर्थडे गिफ्ट। मैंने सारी संगत को वो फोटोज और गुरु जी के वो दर्शन कराए और शुक्राने शुक्राने अनंतम शुक्राने गुरु जी के,
जितने शुक्राने करो उतने कम, मैं तो बोलूंगी इतने शुक्राने गुरुजी के मेरे, मतलब मैं आज तक भी उस चीज को भूल नहीं पाती कि गुरुजी कितना सुनते हैं और परेशान तो वो देखने होने ही नहीं देते जो भी उनसे प्यार करता है। मेरा यही है कि संगत जी प्लीज गुरुजी से प्यार करो, गुरुजी को मानो, उनके बराबर या उनके जैसा कोई भी नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है, उन्होंने कितना प्यारा हमें मंदिर दिया है, उन्होंने उनका लंगर मतलब जो हमारी मेडिसिन है, आप लंगर जो खाते हैं इतनी मेडिसिन है वो हमारे लिए, वो उसका एक कण भी नहीं वेस्ट करना चाहिए हमें। गुरु जी ने कितनी चीजें हमें सिखाई कि कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, मिलजुल कर रहना है। कितने अच्छे, जब गुरु जी के सामने बैठते थे चार जने खाली में खाते थे, तो वो जो भाव था कि सब बराबर हैं, सब प्यार से रहो, सबके साथ रहो, एक भी कन वेस्ट नहीं करना आपको, तो ये सब चीजें इतनी अच्छी गुरु जी ने सिखाई है। और मैं कहती हूँ हम तो बहुत लेट मिले गुरु जी से, हमारे बच्चे बहुत ब्लेस्ड हैं, आज के बच्चे जो छोटी छोटी उम्र में गुरु जी के पास जा रहे हैं वो कितने ब्लेस्ड हैं कि उनको अभी से कितने अच्छे संस्कार मिले हैं या मिल रहे हैं। शुक्राने अनंतम शुक्राने गुरु जी के। सत्संग में गुरु जी से जैसे बात तो कर ही नहीं सकते थे, बहुत बहुत डर लगता था गुरु जी से बात करने में, तो बस मैं छोटे छोटे दो चार चीजें बताऊंगी जो बड़ी नादानी में कह लीजिए, बड़ी बेवकूफी में गुरु जी से ऐसे ही बात की। बेटी होने के बाद गुरु जी से ऐसे ही मैंने बोला कि गुरु जी कुछ काम करना है मुझे, बताओ क्या काम करना है। तो दो मिनट चुप हो गए गुरु जी और फिर एकदम से हंस के कहते हैं, अच्छा काम करना है, की लोड़ है, एक और बच्चा पैदा कर ले। तो मैंने कहा नहीं गुरु जी, और ये मतलब कितनी अपनी बेवकूफी है, आप समझ में आता है। गुरु जी तो वैसे सारी चीजें गुरु जी को हमेशा हाँ करनी चाहिए, पता नहीं उस वक्त बहुत छोटे थे, नहीं समझ में आई, बस ऐसे ही गुरु जी से बोला नहीं गुरु जी। अब भी आज तक समझ में नहीं आया गुरु जी की, वैसे तो कोई बात मजाक नहीं होती है, मजाक बस वो जो उन्होंने कह दिया वो हमारी बेवकूफी से, बस बचपन में जो ऐसी छोटी छोटी बातें गुरु जी से की, ऐसे बेटे के बारे में एक बार ही मैंने बोला था, छोटा ही था, 3-1 साल का था मेरा बेटा, और मैंने बोला गुरु जी ये तो बहुत शैतान है, पढ़ता नहीं है। कह रहे अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, घुमाया करें। तो गुरु जी की बातें कई बार बिल्कुल समझ में नहीं आती है। सो जय गुरु जी। और ऐसे मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा गुरु जी बड़ा गुस्सा आता है मुझे। तो गुरु जी कहते अच्छा ठीक है, अगली बार आए तो चांदी की चूड़ी लेके आए। सो अगली बार जब मैं गई, चांदी की चूड़ी लेकर के गई थी, गुरु जी ने ब्लेस किया। तो गुरु जी के साथ तो छोटे छोटे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, मतलब बात तो नहीं की लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें हुए, और धीरे 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 उनकी महिमा का पता चला कि वो तो महाशिव हैं, वो तो भगवानों के भी भगवान हैं, वो इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं कि आप उनसे कुछ भी अपने दिल की बात करिए वो हर चीज सुनते हैं। और क्या सत्संग मैं सुनाऊं, सत्संग तो बहुत सारे हैं। एक अंकल के फेथ का मैं सुनाती हूँ, वही आंटीज फेथ कर लेती हैं बट अंकलों को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यही था कि अंकल इतना ज्यादा नहीं वो करते थे, एंड अंकल के उस वक्त ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम अंकल की चल रही थी, बड़ा मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी, पहले भी मैं सुना चुकी हूँ। ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने नहीं बताया मेरे को, काफी परेशान रहने लगे, और किसी का फोन आता था अंकल को, एंड वो बड़ा मतलब उस फोन से बड़ा परेशान हो जाते थे, तो नहीं बताया। बट एक दिन ऐसे मैंने जोर देखे अंकल से, पूछा अंकल क्या बात हो गई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, एंड ऑफिस का कोई ऐसे ही कोई बंदा है, वो कुछ कुछ जो भी होगा, मतलब वो अंकल उनसे बड़ा परेशान हो जाते थे। सो मैंने अंकल से बोला, मैंने कहा अंकल आप डर क्यों रहे हो, क्या ऐसी बात हो गई, जब आपने कुछ गलत किया नहीं है तो आप डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमें एज अ वाइफ
पता होता है अपने हस्बैंड का कि क्या कुछ गलत करते हैं नहीं करते हैं। तो मैंने अंकल से यही बोला, मैंने कहा आप क्यों डर रहे हो, आपने कभी कुछ गलत किया नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो, वो शायद कुछ हिप्नोटाइज करता था बंदा या जो भी था। सो एक दिन वही हम लोग सत्संग में किसी के गए, वो आंटी भी बहुत जुड़े हुए हैं और उन आंटी के यहाँ सत्संग पे गए। 9th February को ये सत्संग था और 10th February मेरी वेडिंग एनिवर्सरी होती है और 9th February को वो सत्संग काफी लंबा चला। 12 बजे हमें सबने विश किया, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। एंड आंटी ने एक ऐसे एक गुरुजी के सत्संग में बैठे बैठे बस गुरुजी की तरफ देखा और एक हाथ से ऐसे एक इशारा कर दिया जिसमें मतलब उन्होंने जैसे कोई प्रॉब्लम को यूं निकाल देते हैं वैसा एक उन्होंने इशारा किया। तो ये हमें तो उस वक्त समझ में नहीं आया था, बट नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, वो जो था, वो जो प्रॉब्लम थी, वो जो आदमी था या वो जो पर्सन था जो अंकल को परेशान करता था, फोन करता था या क्या करता था, वो उस दिन के बाद से पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। सो शुक्राने गुरु जी। मैं फिर कोई कहूंगी कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, गुरुजी उसको, अगर आप सही हो, गुरुजी आपको ऐसे उसमें से निकाल देते हैं कि उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम कितना भी शुक्राना करें उतना कम है। उनकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं, उनकी बहुत 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 मेहर है। और एक मैं मुरादाबाद का भी सत्संग करती हूँ। हम लोग सावन के महीने में अपनी सिस्टर इन लॉ के यहाँ जा रहे थे और काफी लेट निकले थे दिल्ली से ही। सो मुरादाबाद में कई जगह पे बैरियर्स लगा करके रोड बंद कर देते हैं। सो रात हो रही थी एंड हाईवे पे, जैसा कि वो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होते नहीं है, तो वहां पे एक हाईवे पे उन्होंने जो तारकोल के बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं बिटमिन के, वो लगा करके रोड को बंद कर रखा था। और जैसे ही हम रात 10-10:30 बजे होंगे, जैसे ही अंकल को वो ड्राइव करते हुए 100-120 पे हमारी गाड़ी होगी, जैसे ही वो अंकल को दिखा, अंकल ने ब्रेक मार ली, हमारी गाड़ी सेफ एंड साउंड बिल्कुल उससे पहले रुक गई। बट हमारे पीछे एक सेंट्रो आ रही थी और उसको शायद वो नहीं दिखा और उसने इतनी तेज ब्रेक मारी और अपना स्टेयरिंग शायद उन्होंने हमारी गाड़ी की तरफ किया, तो हमारे को पीछे से हल्का सा पुश कहते हैं, हमारी गाड़ी को बस एक हल्का सा पुश हुआ और ज्यादा कुछ पता भी नहीं चला। और बहुत तेज एक ब्लास्ट की आवाज हुई, वो गाड़ी दो भरी पलट के और डिवाइडर के ऊपर उल्टी हुई। बस इतना ही निकला, गुरुजी सब ठीक हो, सारे ठीक हो। उनके उसके अंदर 4 लोग बैठे हुए थे, ऐसी आवाज सुन करके काफी सारे कावड़िए थे वहां पे, सब आ गए, उनको निकाला, सबको, चारों जने बिल्कुल सेफ एंड साउंड बिल्कुल ठीक थे, किसी को खरोच भी नहीं आई, गाड़ी उनकी बिल्कुल क्रश हो चुकी थी। और हमें अंदर बिल्कुल नहीं पता चला, हमारी गाड़ी को बस एक जैसे हल्का सा किसी ने टच कर दिया, इतनी फीलिंग आई और बाकी कुछ नहीं पता चला। बट गाड़ी हमारी ड्राइव नहीं, मतलब स्टार्ट थी, सब कुछ थी, बट हमारी गाड़ी चल नहीं पा रही थी। तो जब उतर के देखा तो देखा कि सारा जो इम्पैक्ट था उस गाड़ी का वो हमारी टायर पे आ गया, टायर हमारा एक्सल समेत पूरा 90 डिग्री टर्न हो गया था। सो जब गाड़ी टो करवाई और सर्विस सेंटर पहुंची गैराज में, तो वो सारे लोग बड़े अमेज थे कि डिग्गी पे नहीं लगी, बूट पे नहीं लगी, बम्पर पे नहीं लगी, आपके टायर पे कैसे आई। कोई भी चीज हो, अगर आप लॉजिकली सोचो तो पीछे अगर इतनी बड़ी आपकी बूट है गाड़ी की तो उसके ऊपर लगती है पीछे वाली गाड़ी, कोई भी मारेगी तो टायर पे कैसे चली जाएगी, ये सब गुरुजी जान सकते हैं, ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और वो इतना जोर की शॉक था, अगर वो शायद बूट पे लगा होता तो मेरी बेटी पीछे बैठी हुई थी, उसको जोर के लग सकती थी, पूरी हमारी डिग्गी पूरी सामान से भरी हुई थी, उसको ज्यादा लग सकता था। पर शुक्राने गुरुजी के, वो आपको हर पल उनकी नजर, उनकी मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होती हैं।